पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना बीबीसी को पड़ा भारी। इनकम टैक्स के बाद अब ईडी का बड़ा एक्शन। अकाउंट हुआ सील, बंद होगा भारत में दफ्तर। पिछले कुछ समय से ब्रिटिश न्यूज ग्रुप बीबीसी को भारत में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी साल फरवरी में बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिसों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 60 घंटे तक बीबीसी इंडिया के दोनों ऑफिसों में सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के कुछ दिन बाद लगा कि अब बीबीसी की मुश्किलें खत्म हो गई, पर ऐसा हुआ नहीं। देश के ईडी ने बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चैनल बंद होने के कयास भी लग रहे हैं। क्या मोदी सरकार ने अपना बदला ले लिया? गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को मोदी सरकार ने भारत में बैन कर दिया था। कड़ी आलोचना के बाद बीबीसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटा लिया, लेकिन मोदी सरकार ने माफ नहीं किया। अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, चैनल भी बंद होने की खबरें हैं। पूरा क्या मामला है आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विदेशी फंडिंग में अनियमितता है वजह। ईडी ने आज गुरुवार 13 अप्रैल को देश में बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमे की वजह के बारे में जानकारी देते हुए ईडी ने बताया, विदेशी मुद्रा की फंडिंग में अनियमितता के चलते देश में बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फेमा के तहत ठोका मुकदमा। ईडी ने बीबीसी के खिलाफ देश में यह मुकदमा फेमा के तहत दर्ज कराया है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीबीसी ऑफिसों में सर्वेक्षण के दौरान न्यूज ग्रुप के इंटरनेशनल टैक्स में भी गलती मिली थी। इसी आधार पर उन्होंने ईडी को रिपोर्ट सौंपी और ईडी ने भारत में बीबीसी पर मुकदमा दर्ज कराया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री नहीं है वजह। बीबीसी की तरफ से इसी साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन कर दिया गया था, पर इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से बीबीसी की दुनिया के कई देशों ने निंदा की थी। ईडी ने आज बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए साफ कर दिया, पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। पर्याप्त सबूत होने पर ही ईडी ने आज बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बीबीसी पर क्या लगाया आरोप? हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी को बैन करने की याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में बीबीसी पर बैन की मांग करते हुए आरोप लगाया गया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने की साजिश रच रही है। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के जरिए न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश की गई, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के समय से ही बीबीसी भारत विरोधी काम कर रहा है। 1970 की इंदिरा सरकार के फैसले का दिया उदाहरण। इस याचिका में इंदिरा गांधी सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया गया जिसके तहत साल 1970 में सरकार ने बीबीसी को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और बीबीसी के कर्मचारियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया था।